हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो टॉपिक चल रहा है एलजेब्रा ऑफ लॉजिक, इसका लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ। लेक्चर 8 आपने जरूर कर लिया होगा क्योंकि उसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे जो 100% इंपॉर्टेंट थे। आज भी मैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जो एग्जाम के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है लेट पी बी द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है पी कह रहा है ही इज टॉल। अगर पी ही इज टॉल है तो ही इज नॉट टॉल क्या होगा, या नेगेशन लगाएं तो क्या होगा, ऐसा इसमें करना है। एंड क्यू के लिए उसने स्टेटमेंट दिया ही इज हैंडसम। गिव ए सिंपल वर्बल सेंटेंस विच डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें फिर ये उसमें लिखना है। जैसे ये पी है तो पी मीन्स ही इज ए टॉल, इस कंजक्शन को प्लस से जोड़ेंगे एंड से। फिर यहां लिख रहा है नेगेशन, नेगेशन क्यों का मतलब है वो हैंडसम नहीं है। तो इनको हम किस प्रकार स्टेटमेंट में लिखेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी एंड नेगेशन क्यू। पी का मतलब यहां हुआ ही इज टॉल। अब इसके लिए हम क्या लगाना है, यहां एंड लगाना है। और क्यू, क्यू का मतलब है ही इज हैंडसम, लेकिन नेगेशन लग रहा है तो वो हैंडसम नहीं है। एंड ही इज नॉट हैंडसम। अब इसको लिख लेंगे आप, इसका डिसजंक्शन का मतलब है और इस कंजक्शन का मतलब था एंड। आपने सारे लेक्चर देखे होंगे तो क्लियर समझ में आएगा। तो यहां पी के लिए ही इज टॉल, फिर इसके लिए लिखेंगे और, फिर नेगेशन लिख रहा है तो इसका मतलब है ही इज नॉट टॉल। फिर एंड लिख रहा है, फिर क्यू का मतलब है ही इज हैंडसम। क्लियर स्टेटमेंट समझ में आ रहे होंगे इसका। ये पहले से ही नेगेशन है, इसका मतलब जो भी है वो ट्रू नहीं है, तो ही इज नॉट ट्रू लिखेंगे इसके लिए। इस नेगेशन के लिए लिखेंगे ही इज नॉट ट्रू। दैट क्या ट्रू नहीं है, ये लिख रहा है ही इज नॉट टॉल। ही इज टॉल पी और यहां नेगेशन लग रहा है तो आप लिखेंगे ही इज नॉट टॉल। फिर और, ये नेगेशन क्यू में लिख रहा है तो वो हैंडसम भी नहीं है, ही इज नॉट हैंडसम। तो ये तीनों क्लियर समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी पेज पर नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन 2 मैंने लिख दिया है। क्या कह रहा है कि पी एंड नेगेशन पी निकालें तो वो फालसी होगा। फालसी का मतलब जो टेबल में आएंगे सभी एफ आएंगे, फालसी की जगह पे कंट्राडिक्शन भी लिखा होता है। जब यहां केवल एक ही है पी केवल, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं वो देखिए। ट्रुथ टेबल में हम पी के नीचे केवल दो ही एलिमेंट लिखते हैं टी और एफ, क्योंकि ये सिंगल है। अगर पी और क्यू होता तो डबल टी और डबल एफ लिखते। अब हमें इसका नेगेशन निकालना है तो यहां हो जाता है एफ और यहां टी। अब मुझे यह हल करना है पी एंड नेगेशन पी। ये एंड वाला केवल टी टी होता है तभी आके, दोनों स्टेटमेंट टी टी हो तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज फाल्स होगा। तो यहां क्या है टी एफ है तो फाल्स होगा, यहां एफ टी है तो भी फाल्स होगा। इस टेबल से हमने क्या देखा, ये फर्स्ट टेबल कह दो, ये सेकेंड टेबल, ये थर्ड टेबल। तो यहां लिखेंगे बाई थर्ड टेबल P एंड नेगेशन P इज ए फाल्स या टोटली फाल्स। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। और देखिए इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। P और P इक्वल P होता है, P एंड P भी P होता है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे टी एफ और सेम आएगा टी एफ। अब ये पूछ रहा है और में केवल एफ एफ में एफ आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो यहां टी आएगा और यहां भी एफ आएगा। तो इस टेबल से ये जो कि तो पी ही आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अगर हम निकालें पी एंड पी तब इसी क्वेश्चन में, तो टी टी पे टी आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। ये दोनों टी हैं तो टी आएगा, ये दोनों फाल्स हैं तो फाल्स आएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बाई थर्ड टेबल,
थर्ड ट्रेवल से निकला पी और पी इक्वल टू पी बाई फोर्थ ट्रेवल, ट्रेवल से निकला पी एंड पी इक्वल टू पी। तो इसमें मैंने यहां तक आपको छोटे छोटे तीन क्वेश्चन कराए, अभी और बताता हूं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द वर्ड, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और वर्ड में करने हैं आपको। जबकि पी एंड क्यू आर गिविन वाई, पी कह रहा है आई सेल परचेज ए टेप रिकॉर्डर, जबकि क्यू के लिए कहा स्टेटमेंट आई सेल नॉट परचेज ए कार। क्यू में यहां नेगेटिव है, अगर यहां नेगेशन लगेगी तो फिर नॉट ऑलरेडी हट जाएगी। नेगेशन क्यू का मतलब है आई सेल परचेज ए कार, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए पहला कह रहा है पी एंड क्यू, तो पी में तो यही आएगा आई सेल परचेज, परचेज क्या है ए टैप रिकॉर्डर, एंड इसके लिए क्या है नॉट, नॉट लग रहा है, नॉट परचेज ए कार, परचेज ए कार यही लिखे देता हूं। दूसरा स्टेटमेंट यहां ऑलरेडी नेगेशन है और यहां इसके लिए नॉट आता है यार, यहां नेगेशन हम लगाएंगे तो नाइदर का यूज कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए आई सेल नाइदर परचेज ए टैप रिकॉर्डर, और क्यू के लिए ऑलरेडी नॉट है तो यहां नॉर लगा देंगे, नॉर ए कार, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव था। थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा लेकिन समझ में आ रहा होगा। इसके लिए यहां नेगेशन है तो यहां लिख सकता हूं मैं आई सेल नॉट परचेज ए टैप रिकॉर्डर, परचेज ए टैप रिकॉर्डर, और यहां नेगेशन लग रहा है तो इसका मतलब नॉट हटेगा, आई सेल परचेज ए कार, नॉट लगेगा इसमें, एंड आई सेल ए कार, क्योंकि नेगेटिव लग रहा है तो इसलिए ये कार खरीदेगा, नॉट हट जाएगा। इसे देखिए इसमें दोनों हैं आई सेल की, नॉट पहले से ही लगा देता हूं, आई सेल नॉट नॉट परचेज ए टैप रिकॉर्डर, फिर यहां और यहां नेगेशन लग रहा है तो और क्या करेंगे, परचेज ए कार, तो इसका ध्यान रखना। इसने पहले यहां नॉट लगा दिया है तो जहां नेगेशन की कहानी आएगी ये नॉट हट जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, सो दैट द ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल नेगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू इक्वल पी कंजक्शन नेगेशन क्यू, ये प्रूफ करके दिखाना है। मस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 100%। चलिए तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, द ट्रुथ टेबल, पी टी एफ एफ क्यू टी एफ टी एफ। अब हमें बनाना है पी इंप्लीकेशन क्यू, पी इंप्लीकेशन क्यू में टफ देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था टफ जहां आए टी और एफ तो फाल्स, अदरवाइज ट्रू, तो टफ यहां आ रहा है तो यहां तो फाल्स आएगा, बाकी सब जगह ट्रू आएगा। अब इसका नेगेशन कह रहा है, इसका जैसे नेगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू, नेगेशन में यहां फाल्स आएगा, यहां ट्रू, यहां फाल्स और यहां फाल्स। अब हमको निकालना है नेगेशन क्यू, ये रहा तो यहां फाल्स ट्रू, फाल्स ट्रू। अब हमको निकालना है पी कंजक्शन नेगेशन क्यू,
पी एंड नेगेशन क्यू भी कहते हैं, पी एरा नेगेशन क्यू, और इसका साइन होता है एंड का, केवल टी टी हो तभी आगे टी आता है, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहां फॉल्स, यहां टी, यहां फॉल्स और यहां भी फॉल्स। 1, 2, 3, 4 ये कॉलम 4 है और ये कॉलम 6 है। तो हेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ कॉलम 4 and 6 आर ए लाइक, सेम है दोनों, सो दैट गिविन प्रोपोजिशन इज ट्रू। इज ट्रू, ट्रू का मतलब दोनों कॉलम सेम एंट्रीज रखते हैं, तो ये प्रूफ हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बाई मींस द ट्रूथ टेबल, द ट्रूथ टेबल प्रूव दैट पी इंप्लीकेशन क्यू, बायोकंडीशनल में इक्वल आएगा ये, ब्रैकेट में पी इंप्लीकेशन क्यू, ब्रैकेट बंद एंड क्यू इंप्लीकेशन पी। ये प्रूफ करके देखना है, टेबल तो इतनी ही बनेगी जैसे ये बनी है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 10 में मैं आपके लिए कौन कौन सी वीडियो देने वाला हूं वो भी बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो बताऊंगा। सबसे पहले आप टेबल बनाइए, द ट्रूथ टेबल, टी टी एफ एफ, फिर क्यू के लिए टी एफ टी एफ, फिर हम निकालेंगे यहां P implies Q, भूल गया P, ये डबल implication Q है। डबल implication Q में क्या होगा कि जब सेम कंडीशन होती है, या तो ट्रू ट्रू हो तब ट्रू होगा, या फॉल्स फॉल्स हो तब ट्रू होगा। आपको ये सब याद रखना है मेरे बच्चों। तो यहां ट्रू ट्रू पे ट्रू, यहां फॉल्स और फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू। अब मुझे निकालना है P implication Q, इंप्लीकेशन में टफ देखना है, टफ यहां है, केवल यहां फॉल्स होगा, बाकी सब जगह ट्रू होगा। फिर मुझे क्यू इंप्लीकेशन पी निकालना है, इधर से इधर चलना है, यहां है टी एफ टफ, तो यहां फॉल्स होगा बाकी ट्रू होंगे। अब इन दोनों का एंड निकालना है, पी इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू इंप्लीकेशन पी, एंड का मतलब है ट्रू ट्रू पे ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहां टी टी है तो टी, यहां फॉल्स, यहां भी फॉल्स और यहां ट्रू। हमने क्या देखा, ये वाला देखिए आप, टी टी डबल एफ टी, ये 3 नंबर कॉलम, 4, 5 और 6 कॉलम। आप इसके नीचे इसी को लिखेंगे, हेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ कॉलम 4 की जगह पे 3 लिखेंगे एंड 6 की जगह पे 6 ही रखेंगे, आर ए लाइक सो दैट गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज एक कमेंट करना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो भी देखते जाइए। चलिए इसमें दूंगा नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, प्रूव दैट कंपाउंड प्रपोजिशन कंपाउंड प्रपोजिशन इज ए टॉटोलॉजी, है क्या वो पी इंप्लीकेशन क्यू, फिर एंड लगाएंगे पी के साथ, जो आंसर है उसका फिर इंप्लीकेशन करेंगे क्यू के साथ, तो टॉटोलॉजी आएगा। ये प्रूफ करके देखना, खुद करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, वेरीफाई वेदर the following statement are tautology or falsy। इसके अंदर मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं,
वो आपको प्रूव करके दिखाना है कि कौन सा उसमें टॉटोलॉजी होगा और कौन सा उसमें फालसी होगा। फालसी इज आल्सो कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन भी लिख सकता है या वो फालसी लिख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पी एंड क्यू, इसे एंड या कंजक्शन दोनों बोलते हैं, इसका इंप्लीकेशन करोगे पी और क्यू के साथ, इसे और या डिसजंक्शन बोलते हैं। सेकेंड नेगेशन पी और क्यू, इंप्लीकेशन नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, इसे चेक करोगे। थर्ड पार्ट पी इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू इंप्लीकेशन पी, इसे बंद करेंगे, डबल इंप्लीकेशन लगाएंगे, फिर पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, इसे देखेंगे। फोर्थ पार्ट पी और क्यू और आर, डबल इंप्लीकेशन पी और क्यू और आर, इसको चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन लिया है, सो दैट प्रपोजिशन, क्या है प्रपोजिशन पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी और क्यू इज ए कंट्राडिक्शन। क्या है ये कंट्राडिक्शन? तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, और भी क्वेश्चन इसके साथ इसी टाइप के लेंगे। हम आपको 90% तक पूरे सॉल्व करके दे रहे हैं, लेकिन आपको फुल बेनिफिट जब ही मिलेगा कि जब आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो कोई भी लेक्चर आपसे मिस नहीं होगा, सारे लेक्चर आपको क्रम बाई क्रम मिल जाएंगे। और अपना नोट्स बना लो, पूरा पेपर फर्स्ट क्लास हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।